ये सागर उस समय का है कि जब राजा दशरथ को श्राप देने के बाद श्रवण कुमार के माता पिता जो श्रापित जल फेंके थे वो जल इसी स्थल पे पड़ा था जहाँ पे आज एक कुंड बना हुआ है। और तब से इसकी महानता है कि जो चर्म रोग से पीड़ित होते जैसे दांत खाज खसरा खजली अपरस उकवत ये सब वो इसमें स्नान करते हैं। रविवार को मंगलवार को लोग काफ़ी संख्या में आते हैं स्नान करते हैं और रोग मुक्त हो जाते हैं। एसपी पांडे आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। मित्रों हमारी टीम समय समय पर आप लोगों को कुछ न कुछ नया दिखाने की कोशिश करती है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं जिला अयोध्या में और यहाँ के राय बरेली रोड पर अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये है इधर खिहारन गांव जो कि बारून से लगभग 600 मीटर दूरी पर पड़ता है। और वहीं पर ये जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे ये है सागरा जिसे यहाँ पर इसके बारे में महत्व इसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी को खाज खुजली या कोई भी चर्म रोग हो अगर इसमें स्नान कर ले तो उसका चर्म रोग स्वतः ठीक हो जाता है, जिससे यहाँ पर आए दिन भारी संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करते हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही पुराना प्राचीन सागर है और ये देखिए यहाँ पर ये घाट भी बना हुआ है जिसके रास्ते लोग जाते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। बकिया अभी हम आप लोगों को बात कराते हैं ये श्रवण कुमार आश्रम के महंत जो हैं जिनके बगल ये सागर स्थित है अभी उनसे हम इसके महत्व के बारे में आप लोगों की बात कराते हैं। हमारे साथ बने रहिए। हाँ महाराज जी आपका शुभ नाम? स्वामी कृष्णाचार्य। महाराज जी इस सागर के का क्या महत्व है? भैया ये सागर उस समय का है कि जब राजा दशरथ को श्राप देने के बाद श्रवण कुमार के माता पिता जो श्रापित जल फेंके थे वो जल इसी स्थल पे पड़ा था जहाँ पे आज एक कुंड बना हुआ है। और तब से इसकी महानता है कि जो चर्म रोग से पीड़ित होते जैसे दांत खाज खसरा खजली अपरस उकवत ये सब वो इसमें स्नान करते हैं। रविवार को मंगलवार को लोग काफ़ी संख्या में आते हैं स्नान करते हैं और रोग मुक्त हो जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सच 24 इंडिया के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूले। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता जबकि टीम का हौसला बढ़ जाता है। थैंक्स।